सीताराम राधे श्याम, स्वागत है आपका इस व्लॉग में। और अभी है बारिश का मौसम, तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बारिश के मौसम में यहाँ आसपास का वातावरण कितना ज्यादा सुंदर हो चुका है। ये ऊपर है खुला आसमान और यहाँ सुंदर हरे भरे पेड़, खेतों में पानी भर चुके हैं और जो पौधों की नर्सरी होती है राइस प्लांट की, वो यहाँ पर लग चुकी है। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, और यहाँ पर बहुत ही सुंदर हरे हरे पेड़ हैं और नीचे गौ माता भी चर रही है। गाइस, मैं सीढ़ियों से नीचे जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ कौन कौन से पेड़ पौधे उगे हुए हैं। चलते हैं। यहाँ पर सभी के कपड़े सूख रहे हैं गाइस, और यहाँ पर भारती मामी झाड़ू लगा रही है अपना। हाय। यहाँ पर तुलसी का पौधा है, एक बेल पत्ती का पौधा है, और इस पेड़ में अभी फूल तो नहीं उगे हैं, पर ये पिंक कनेर का फूल का झाड़ है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये विशाल वृक्ष जामुन का है। ये जो है, ये आंवले का वृक्ष है। ये आम का झाड़ है। ये पारिजात या हरिसिंगार का पेड़ है। ये धतूरे का पेड़ है। इस मेरी किस्मत तो देखिए, आज मैं ब्लॉग बना रहा हूँ और आज इन पेड़ों पे एक भी फूल नहीं खिला। तो यहाँ आप जो ये हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर ढेर सारे गेंदे के प्लांट जो है उगे हुए हैं। देखिए यहाँ पर कितने सारे गेंदे के प्लांट है। पता नहीं ये गेंदे के फूलों का रंग कौन सा निकलेगा, वो तो जब फूल उगेंगे तभी पता चलेगा। और ये नीम का झाड़ है। यहाँ पर देखिए, ये गौ माता नजदीक आ गई है। ये जासवंद का पेड़ है। चलो फाइनली कहीं तो फूल उगा। ये विष्णु प्रिया नाम के फूल की बेल है। इसका फ्लावर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये कितना सुंदर और डेलिकेट फ्लावर है। इसका कलर एक्चुअली कैमरा में थोड़ा सा अलग दिख रहा है, पर रियल में इसका कलर थोड़ा डिफरेंट है। और ये शमी का पेड़ है। इसके पत्तों का इस्तेमाल पूजन अर्चन में होता है। ये पेड़ काफी बड़ा है और इसमें कांटे भी है बहुत छोटे छोटे। फ्रेंड्स, ये जूही का पेड़ है। इसमें जूही के बहुत सुंदर फूल उगते हैं, और जब इसमें फूल उगते हैं ना, तो ये पूरा भौरों से भर जाता है। और ये है नींबू का झाड़, जिसमें ये नींबू भी उगा हुआ है फ्रेंड्स। और ये है चंपा का झाड़। आज मेरी किस्मत ऐसी है कि व्लॉग बनाने वाले दिन ही इसमें फूल नहीं खिला है। माता आई हुई है जो अपना घास चरने में व्यस्त है। बहुत ही समय से ये माता अपना भोजन प्राप्त कर रही है। फ्रेंड्स, ये रहा मेरा व्लॉग और यहाँ पर मैं इसको एंड कर रहा हूँ। पर ऐसे ही और व्लॉग देखने के लिए आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। सॉरी, मैंने हाथ की पोजीशन गलत दिखा दिया, ये लाइक का पोजीशन है। सॉरी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को टैप करना, और हाँ, मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बेल आइकॉन से तो मिल ही जाएंगे। जब वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए तो उसे लाइक भी कर देना। ठीक है, ओके, सियाराम।